आंदोलन का प्रारूप है कि आप फिलहाल जिस ऊंचाई पर खड़े हैं, लगभग जमीन तल से लगभग 250-300 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, जाहिर सी बात इसका जमीन है, तो ये जमीन रेतों की है और BCCL मनमानी करते हुए यहाँ डंपिंग की है। यानी इस प्रकार कुल मिलाकर ये जो आसपास की ज़मीनें हैं, ये रेतों की ज़मीनें हैं, किसानों की ज़मीनें हैं, लेकिन उसे ना रजिस्ट्री किया गया है, ना उन्हें विस्थापित किया गया है, ना मुआवजा दिया गया है, ना नियोजन दिया गया है, और लगातार खनन का कार्य चल रहा है। खनन का कार्य भी चल रहा है, हमारे गाँव में इसका प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, लगातार हमारे जो लोग हैं वो प्रदूषण के कारण काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, और बाकायदा हमारे गांव की सब्जियों का रंग देखें तो मैंने प्रदूषण के कारण प्रभावित हो चुका है, हमारे बरामदे, हमारे घर की खिड़कियाँ, हमारे घर के छत, बल्कि जो हम लोग कपड़ा भी पसारते हैं वो अब बाहर नहीं पसारते हैं, पंखे के नीचे हम लोग घर के भीतर ही पसारते हैं, इस प्रदूषण के साये में हम लोग जी रहे हैं। तो इसीलिए ग्रामीणों की मांग है कि प्रदूषण पर नियंत्रण हो, आ चूँकि जो भी कंपनी अगर कुछ कार्य करती है तो प्रदूषण के मानकों का, मापदंडों का अनुपालन करती है। दूसरी बात सबसे मैंने महत्वपूर्ण यह है कि हमें रोजगार मिले, रोजगार मतलब नियोजन मिले और एक अच्छी मुआवजा मिले, ताकि हमें एक अच्छा जीवन यापन इसलिए करें क्योंकि ज़मीनें हमारी है, हमारी ज़मीनों के नीचे खनिज संपदाएं हैं। अतः हम अगर राष्ट्र की उन्नति के लिए अपने जमा पूंजी को गिरवी रख देते हैं, जमा पूंजी के मतलब एक किसान के लिए जमा पूंजी उसका खेती होता है, जब उसको कुछ नहीं दिखता है तो खेती के माध्यम से अपना जीवन यापन करता है, अपनी जीविका उपार्जन करता है। तो जब हम अपनी सारी जमा पूंजी, जो आज मोटा मोटी अगर हम लॉजिक के दृष्टिकोण से बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के आसपास से लगभग खेती हो रही है, उससे पहले लोग खानाबदोश थे संभव, तो 4000 साल से खेत हमारे थे, जोत कोड़ करते थे, इस पर हमारा फसल उगाते थे, उस जमा पूंजी को हमने भारत सरकार या फिर उसके अंतर्गत आने वाली इकाइयों को खनन के लिए दिया, ताकि उस खनन से जो कोयला की निकासी होगी उससे राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान होगा। तो जब राष्ट्र के योगदान में हम अपना सारा चीज़ खो चुके हैं, सारा चीज़ बर्बाद कर चुके हैं, तो कम से कम राष्ट्र का भी बदले में ये कर्तव्य बनता है कि हमारी उन्नति कैसे हो, हमें सुरक्षा कैसे मिले, हमारा जीवन आगे कैसे चले, उसके लिए हमें एक अच्छी मुआवजा मिलनी चाहिए, एक अच्छी मुआवजा मिलनी चाहिए ताकि हमारा भरण पोषण हो सके, हमें यहाँ कार्य मिलना चाहिए, चूँकि ये क्षेत्र हमारा है, यहाँ जब हम खेती करते थे आज हमें नौकरी करना चाहिए। तो इसलिए इन्हीं मांगों के साथ हम लोग धरना पर बैठे हैं, धरना पूरी शांतिपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कल बमबारी की गई है, प्रशासन की मौजूदगी में की गई है, तो लोकतंत्र के देश में, लोकतांत्रिक देश में कहीं ना कहीं सवाल चिन्ह खड़ा होता है। अच्छा ये बताइए कितने लोगों का अभी मुआवजा या नियोजन बाकी है? देखिए बहुत संख्या में लोग हैं जिनमें जिनका मुआवजा बाकी है और जिनको नियोजन की मांग आज अटकी हुई है, तो मुझे लगता है बकायदा हम लोग आज दिन भर में ड्राफ्टिंग कर लेंगे कि कितने लोग हैं और उसका बकायदा प्रेस के माध्यम से उस बात को रखेंगे हम लोग। जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू किया गया था, बावजूद इसके कल आप लोग आंदोलनरत थे। नहीं तो देखिए धारा 144 ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन धारा 44 उस समय लगना चाहिए था जब आंदोलन का अनुमति मांगा गया था, जब जाहिर सी बात है जब आंदोलन हो रहा है तो SDM के पास लेटर गया होगा अनुमति के माध्यम से या फिर उन्हें सूचना दिया गया होगा, तो अचानक जब ये हाईलाइटेड होता है कि इस कार्यक्रम में हम भी समर्थन देने के लिए आ रहे हैं तो फिर अचानक धारा 144 लगती है। अगर हमारी उपस्थिति नहीं होती तो शायद धारा 144 नहीं लगती, तो ये कहाँ का न्याय है कि एक व्यक्ति के कारण, एक युवा लड़का के कारण आपको धारा 144 लगानी पड़ती है, वहाँ इससे पहले भी आंदोलन हुआ है तब तो धारा 144 नहीं लगी है, और उसके बाद धारा 144 कहाँ लगता है, जब जब लगता है कि कुछ अराजकता की स्थिति हो, कुछ हिंसा या फिर उपद्रव जैसी घटनाएं घटने वाली हो, यहाँ तो महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं और महिलाएं तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हैं, बाकायदा अपना मतलब अपने भूखे बैठी हैं, रात को यहीं सोई हैं खुले आसमान के नीचे, जो देश महिला सुरक्षा की बात करता है अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाएगी तो कौन इसकी जवाबदेही लेगी, रात को खुले पंडाल में महिलाएं बैठी हैं, अपने घर से कोसों दूर बैठी हैं, एक मतलब ऐसी जगह बैठी हैं जहां आपराधिक तत्व के लोग मैंने मंडराते रहते हैं, गोलीबारी बम बारूद चलता है, उसी जगह महिलाएं खुले आसमान के नीचे सोई हैं रात भर। क्या कहेंगे कल जो जिला प्रशासन द्वारा कार्य किया? देखिए हम यही कहेंगे कि सबसे पहले बात कि जिला प्रशासन कोऑपरेट करें, अच्छी बात है, खनन क्षेत्र है, माइनिंग क्षेत्र है, सुरक्षा दें, जहाँ पे आंदोलन हो रहा है उसके चारों ओर पुलिस प्रशासन का पहरा हो, और दूसरी बात जिन्होंने बमबारी की है उन्हें अविलंब गिरफ्तार करें, ताकि जो स्थानीय प्रशासन है उसके प्रति भी हमारी आस्था बनी रहे और हमें अपना आंदोलन सुचारू रूप से जारी रखें, इस पर हमारा कोऑपरेट करें। क्या लगता है जिला प्रशासन जो है आउटसोर्सिंग कंपनी के दबाव पर है? संभावना है, पूरी संभावना है, आउटसोर्सिंग कंपनी का मतलब दिल्ली तक चंदा, तो फिर स्थानीय थाना प्रभारी तो कोई उनका सामने स्टैंड ही नहीं बनता है, क्योंकि कल पुलिस मौजूद थी जिस समय बमबारी हुई है और ग्रामीणों के ऊपर बमबारी की गई है, कोई भी अप्रिय बड़ी घटना घट सकती थी? बिल्कुल घट सकती थी, घट आगे भविष्य में घटेगी भी संभावना, तो इसलिए प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए और प्रशासन को अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी निष्ठापूर्वक करना चाहिए, ताकि लोगों की आस्था पुलिस पर बनी रहे, पुलिस पब्लिक के बीच एक अच्छा संबंध बना रहे, इसके लिए हम चाहेंगे कि स्थानीय थाना प्रभारी इस आंदोलन को संरक्षण प्रदान करें और साथ ही साथ
जो लोग बमबारी कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसे। तो बंधुओं का कहना है जैसे कि जो भी आंदोलन मतलब का है, जो भी मांग है, उसके लिए बैठ करके वार्ता किया जाता है, इसको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात दादा, आप भी जानते हैं ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ जनता को अगर अपनी बात को रखना पड़ता है तो धरना, भूख हड़ताल, हड़तालें करनी पड़ती है। अगर बात से बनती तो मुझे लगता है चलिए ठीक है, अगर भौरा में आंदोलन होता आप बोलते चलिए भौरा के लोग मनमानी कर रहे हैं या फिर वार्ता नहीं करना चाहते हैं, ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। सिंदरी में कचरा प्लांट की स्थापना होने वाली है, पटिया में भी कोयला को लेकर मैटर विवाद बढ़ा है, आप बोकारो में चले जाइए तो BSL में अप्रेंटिस के लोग धरना पर बैठे हैं, पूरे झारखंड के लोग तो धरना पर बैठे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।